हाथ से गिरफ्तार हुआ आपके सीए एनआरसी का विरोध कर रहा था। वो ठीक है, लेकिन उनका कुछ ऐसा आया है वक्तव्य जो लगता है विवादास्पद, उसकी जांच होगी। गिरफ्तार होना कोई बड़ी बात नहीं है, हम समझते हैं कि उनका कोई एटीट्यूड ऐसा नहीं रहा है। अगर रहा होगा तो देशद्रोह का मामला चलेगा, इसमें क्या दिक्कत है? वो देश को तोड़ने की बात कर रहा था सर। नहीं ठीक है, हम नहीं ऐसा जानते हैं, उनका कहना रिफ्यूट किए हैं, हमने ऐसा नहीं कहा है। इसको जांच होनी चाहिए, जांच होने के उपरांत जो कार्रवाई होगी। देशद्रोही मुकदमे है, कोई कुछ भी कर ले सीए वापस नहीं लिया जाएगा, ये तो कहेंगे ही। वो कानून बनाए हैं तो कहेंगे ही, लेकिन ये भी जोड़ लीजिए कि इस कानून का कितना बड़ा विरोध समूचे हिंदुस्तान में हो रहा है, खास करके हमारी बेटियां और बहू सड़के पर आ गई हैं, तो उनको जनता के मूड को समझना चाहिए और समझ करके उसको उनको वापस लेना चाहिए। सरकार का कहना है कि विरोधी पार्टियां जो हैं वो केवल लोगों को भड़का रही हैं, जबकि सीएए नागरिकता देने वाला कानून है। नहीं, हम अगर कहना है इस सीए के बारे में कहते हैं तो जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के एक नागरिकता की बात वो बोलते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जो 14 करोड़ लोग हैं, घुमंत जातियां हैं, अर्ध घुमंत जातियां हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उसको जुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक तरफ आप 10, 20, 50 को या 1 लाख 2 लाख को लाने की बात कर रहे हैं, और यहाँ करोड़ों लोग बिना वोट के बिना नाम के हैं। इमाम का समर्थन करते हैं? नहीं, हम उनका समर्थन इस रूप में हमें नहीं करेंगे, क्योंकि उन पर जो इल्जाम आया है, इल्जाम को देख लेना चाहिए, प्रूफ करना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है, और अगर गलत कहे हैं तो गलत को हम लोग साथ नहीं देंगे। अब नीतीश कुमार जी की बात जो अपनी है, उनसे क्या हुई है अंदरूनी बात, उसको हम क्यों कहेंगे? अब रही बात कि आपस में उन लोग फरिया रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं और पीके कुछ कह रहे हैं, ये थोड़ा और आगे बढ़ने दीजिए, देखिएगा अब मामला अपने सामने आ जाएगा। अच्छा, पीके ने भी ट्वीट कर दिया है कि क्या अमित शाह सच में सही कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार सच में सही कह रहे हैं कि अमित शाह बोल दे और वो हटा दे, किसी को नहीं रख पाए। अब उनकी बात है, उस बात पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हैं। सामने आएंगे लोग, क्या कौन गलत है क्या सही है, अपने आपस में बातचीत कर करके बातें आ जाएगी, तब हम लोग समझेंगे कि वास्तविकता क्या है। स्वागत करेंगे महागठबंधन में, पीके का स्वागत करेंगे आप लोग महागठबंधन में? अभी महागठबंधन में अकेला आदमी हम हैं, जब हमारे लोग बैठेंगे उस पर विचार होगा तो देखा जाएगा। ये बंद का असर नहीं दिख रहा है? नहीं, कैसे दिख रहा है? बंद का क्या मतलब है? बंद को हम लोग लाठी डंडा से किसी को रोकेंगे नहीं ना, स्वस्फूर्त है, जहाँ तहाँ लोग अपना काम कर रहे हैं, गाड़ियाँ बंद है और सब लोग कहीं कहीं बैठे हुए हैं, हम लोग पब्लिक को मैंने कोई तकलीफ नहीं हो ये भी इंतजाम है, अब ये भी ध्यान हम लोग रख